इनको बुलाइए, इनको आपका बुलाओ उसी से इसके बाद आप वहीं से बोल दीजिए, इनको बुलाइए। मनीष जी आइए बोलिए, फिर मैं बोल देता हूँ। अरे बातें आते छोड़ दो, बातें करे स्वामी विवेकानंद ने। देखो जो एक व्यक्तित्व होता है करेक्टर, तो पहले तो आज घर पे जाके एक बार ये सोचना कि पेरेंट्स से पूछना कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करना, समझने की, और कोशिश करना कि हम उसी डायरेक्शन में सही से ग्रो करें। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका एक लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था कि आत्मबोध जब उन्हें हुआ तो उन्होंने बस एक चीज देखी कि मेरे देश से ही मुझे प्रेम है, और मुझे जो दुख है, जो शोक है, वो किस चीज से कि मेरे देश का जब पतन होता है तो मुझे दुख होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का एक नारा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको। सही कह रहा हूँ ना? तो आपको भी अपने जीवन में जो लक्ष्य है, पहले उसे लक्ष्य को बनाओ, उसके लिए प्रयास करो, इतना प्रयास करो अथक कि आपको वो चीज अचीव हो जाए, उसकी प्राप्ति तक आप रुकना मत। जैसे पेरेंट्स से कहते ना, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, काम करके दूंगा लेकिन अभी चाहिए। तो ऐसे आपको अपने गोल से भी करना पड़ेगा। हम सोसाइटी में ना, समाज में ना, आपस में बहन भाई बनेंगे ना, एक दूसरे का काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो वो ही करना है हमें। हमें किसी भी अच्छे लीडर को देख के उनके क्वालिटीज को इनहेरिट करना है और आगे लेके जाना है अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने भाई बहनों को, अपने आप को। ठीक है, चलो आप अपने सबके लिए एक बार ताली बजाओ।